ओटीटी की महारानी को तो हर कोई जानता है, लेकिन आपको उनके पति भी याद होंगे, यानी कि भीमा भारती, यानी कि सोहम शाह। वेल गेस व्हाट, वो पहुंचे SBS ओरिजिनल्स के ऑफिस और एक दिन उन्होंने हमारे शो की जिम्मेदारी संभाल ली। जी हाँ, और एक दिन के हमारे इस गेस्ट एडिटर ने क्या क्या कमाल दिखाए, आइए आपको बताते हैं। हाय, मैं हूँ सोहम शाह और आज मैं यहाँ आया हूँ ABP की न्यूज़ के ऑफिस में सास बहु राजनीति देखने के लिए कि कैसा काम कर रहे हैं, सब कुछ मामला ठीक तो है ना। भीमा भारती आए हैं आपके ऑफिस में, आप उनका इंटरव्यू नहीं कर रहे आप लोग? अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की। ज्यादातर लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। जो यहाँ सर थे संदीप सर, वो बहुत अच्छा वॉइस ओवर कर रहे थे, तो मेरे लिए वो एज एन एक्टर वो लर्निंग थी कि अच्छा ऐसा होता है, तो मुझे वो कभी कैरेक्टर ऐसा प्ले करूंगा तो ABP न्यूज में मैंने जो सीखा है वो काम आएगा। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं उस एक्टर से जो स्क्रीन पर आते हैं तो धमाका जरूर कर देते हैं, और जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं उसमें एक अलग ही छाप छोड़ देते हैं। तो ABP न्यूज के ऑफिस में आए भीमा भारती, जिन्होंने महारानी के अपने इस किरदार से सबका दिल जीत लिया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं सोहम शाह की। तो हम हैं आज ABP के न्यूज रूम में, काफी काम हो रहा है, काफी लोग लगे हुए हैं, तो देखिए आप कितना सारा काम करना पड़ता है एक चैनल को चलाने के लिए, कितना लोग काम करते हैं, कितनी शिद्दत से काम करते हैं। चलिए, न्यूज के न्यूज रूम में पहुंचते ही सबसे पहले सोहम ने किए गणपति बप्पा के दर्शन। जिस दिन वो आए थे उस दिन बप्पा का विसर्जन वाला दिन था, उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़े और आशीर्वाद भी लिया। आज विसर्जन का लास्ट दिन है और ABP के न्यूज रूम में हमें गणपति महाराज के दर्शन हो गए हैं। सोहम पहुंच गए स्टूडियो, जिसे देखकर सोहम तो हैरान ही रह गए, और देखिए क्या कहा। आज तो बॉम्बे में तो सिर्फ गणपति उत्सव चल रहा होगा। ग्रेट, क्या कितना मेहनत का काम है। मिले SBS ओरिजिनल्स की टीम से, जहां उन्होंने सीखा कि वॉइस ओवर कैसे किया जाता है। ट्रेनिंग मिलेगी ना सर, हमारा काम है कुछ खोजते रहना। अगली वेरिफाइड खबर में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि डिजिटल दुनिया पर छाया है ब्रह्मास्त्र का असर। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, मगर उससे पहले हुए प्रेस शो को देखने के बाद लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है वो सब डिजिटल पर यानी कि सोशल मीडिया पर उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या बात है सर। संदीप पंड्या के वॉइस ओवर करने के बाद अब बारी थी सोहम शाह के वॉइस ओवर करने की। अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि डिजिटल दुनिया पर छाया है ब्रह्मास्त्र का असर। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, मगर उससे पहले हुए प्रेस शो को देखने के बाद लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है वो सब डिजिटल पर यानी कि सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है, लेकिन पहले देखिए ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले जब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट फैंस से मिले, तब फैंस कितना प्यार लुटा रहे हैं इस जोड़ी पर। एक बार पूरा वापस कर देता हूँ, एक्टर्स को एक आदत होती है कि दो टेक तीन टेक, उनका मन नहीं भरता, वो कुछ भी करते हैं दो तीन टेक चाहिए होते हैं। अगली वेरीफाइड खबर में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र की, क्योंकि डिजिटल दुनिया पर छाया है ब्रह्मास्त्र का असर। ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई है, मगर उससे पहले हुए प्रेस शो को देखने के बाद लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अगली वेरीफाइड खबर में आप बात करेंगे सोहम की, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक रील डाला है और इस रील के जरिए ये कुछ ये संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल कर दीजिए, अगर ये सर हमारी वाली तो जरूर कर दिया, उन लोगों को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं, हम लोगों को होती है। फिर
सोहम ने ले लिया अपना भीमा भारती वाला रूप, क्योंकि उन्हें जाना था हमारे एडिटर्स रूम में और उन्होंने SBS ओरिजिनल शो को एडिट कर रहे एडिटर्स से अपने अंदाज में बातचीत की और शो की सारी जानकारी भी ली। हाँ जी, क्या चल रहा है? श्रीवास्तव का डे आउट चल रहा है। ठीक, गुड। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? मैं ना एक टीवी एक्ट्रेस है, तो उसका बर्थडे था कल। अच्छा, तो उसी की कवरेज पार्टी हमने कवर की थी जो कि एक्सक्लूसिव थी। ओ, तो वही अभी एडिट किया है जुगल ने, तो मैं इसमें बाइट्स प्लेस कर रही, जो एक्ट्रेस आते हैं ना जी, बाइट्स में इसमें काफी फैंसी जगह लग रही है। कहाँ था ये बर्थडे? ये जगह बहुत अच्छी है, आई थिंक दादर में कोई जगह थी, ये बहुत अच्छी जगह है। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ये गुम है किसी के प्यार में सीरियल है, गुम है किसी के प्यार में साथ में एडिटिंग, उसकी एडिटिंग कर रहे हो आप, गुड। पर भीमा भारती आए हुए हैं आपके ऑफिस में, आप उनका इंटरव्यू नहीं कर रहे आप लोग? हाँ, अभी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट होगा ना, पहले वो करो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये एडिट वगैरह रोको, पहले वो करो, वो चले जाएंगे। वेल, सोहम का SBS ओरिजिनल्स के साथ ऐसा इंटरेक्शन हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। देखिए सोहम ने क्या कहा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ABP न्यूज़ आकर, मैंने भीमा भारती का कैरेक्टर भी प्ले किया है यहाँ पर, कुछ चीज़ों को देखा कि कैसा चल रहा है मामला, काफ़ी कुछ सीखा कि कितना काम होता है। और ख़ास बात है कि मैंने वॉइस ओवर करना सीखा, जो यहाँ सर थे संदीप सर, वो बहुत अच्छा वॉइस ओवर कर रहे थे, तो मेरे लिए वो एज एन एक्टर वो लर्निंग थी कि अच्छा ऐसा होता है। तो मुझे वो कभी कैरेक्टर ऐसा प्ले करूँगा तो ABP न्यूज़ में मैंने जो सीखा है वो काम आएगा, बहुत मज़ा आया। मुंबई से सुरभिरन सिंह और स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।